अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज है क्लास नंबर 6 और इसमें मैं आपको बताऊंगी लाइनों के दरमियान डिज़ाइनिंग करना। मुख्तलिफ तरीक़ों से मैं आपको डिज़ाइनिंग करके बताऊंगी। दो लाइनें आपने लगा ली हैं थोड़े फासले पे, उसके अंदर आपने चार लाइन बनानी है, स्ट्रेट लाइन। थोड़े फासले बनानी है आपने और इसे फिल कर लेना, दरमियान वाली दोनों को आपने फिल कर लेना और साइडों पे एक एक लाइने देनी है आपने। और इसके अंदर बारीक बारीक से डार्ट्स लगाएं आप। नेक्स्ट डिज़ाइन भी मैं आपको बताती हूँ, ऐसे बारीक बारीक से डार्ट्स लगाएं। इसके नंबर डिज़ाइन नंबर 2, वही तरीका, दो लाइन। कल मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई थी, अब मैं थोड़ी सी तिरछी लाइन बनाऊंगी। इसके अंदर भी दो तरह की डिजाइनिंग होती है। फर्स्ट ये डार्ट्स हैं, मैं बहुत इजी सिंपल से तरीके आपको बताऊंगी। ये थोड़े बिल्कुल कम फासले पे आपने लगानी है, उनके हम अंदर से फिलिंग करेंगे। फिलिंग जब करते हैं, एक एक डिब्बा छोड़ के एक पे करते हैं, इस तरह से वो बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बन जाता है। ये मैं आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ, आपने ये नहीं करना कि आपने ऐसे ही बनाना है। आपने जब भी डिज़ाइन बनाना है तो पूरा बनाना ही है। जैसे आप कलाई पे बना रहे हैं तो पूरा कलाई पे ही इस तरह का। भाई हाफ सर्कल, ये जब ऊपर से शुरू करना है तो आपने दोनों के मिड में से शुरू करना है। इसके अंदर चाहे तो आप डार्ट लगाए, नहीं तो इसे आधा हाफ सर्कल बनाकर उसे फिल कर दें। ये डार्ट्स भी मैंने बनाया और ये हाफ सर्कल फिल करके भी मैंने आपको ये दोनों डिज़ाइन बता दिए हैं। ये डिज़ाइन बना हुआ बहुत प्यारा लगता है, जब कलाई पे बना हो ना तो ऐसे ही लगता है सेम जैसे ब्रेसलेट पहना हुआ है कोई, बहुत प्यारा लगता है। ये इसे हम फिल करेंगे, ये मैंने एक बड़ा इसलिए बनाया है ताकि आप बड़े बनाएं तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए, इस तरह से भी आप फिल कर सकते हैं। इसमें पेटल भी बन सकते हैं और ये वाला डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं। ऐसे लाइन भी लग सकती हैं और इसमें सीधी लाइन भी लग सकती हैं। आप सर्कल बना के उसके ऊपर छोटी छोटी सी पैटर्न, ये इस तरह के जब भी आपने डिज़ाइन बनाना है ना तो आपने कोशिश करनी है कि जो नीचे दो फ्लावर होने हैं उनके मिड में ही आपने शुरू करना है।
ये जब आपने ये वाला डिज़ाइन शुरू करना है तो आपने फर्स्ट पे जितनी लाइन लगाई हैं आपने सेकंड पे भी उतनी ही लगानी है। टोटल डिज़ाइन में अगर आपने 5 लाइन लगाई हैं पहले तो आपने सेकंड में भी 5 ही लगानी है। फोर या 6 करेंगे तो आप उन्हें दरम्यान में से एक एक छोड़ के फिल भी कर सकते हैं। ये डिज़ाइन भी बना हुआ बहुत प्यारा लगता है, इसे एक छोड़ के इसमें साथ में फिल करूँगी। अगर ये इस तरह का डिज़ाइन अगर आपने ये बड़ा बनाना है, यानी कि आपने ये मैंने जस्ट 2 फ्लावर्स के लिए इतनी सी लाइन ली है, दोनों में इतना फासला मैंने रखा है कि मैं जस्ट 2 फ्लावर्स बना के आपके डिज़ाइन दिखा सकूँ। अगर हमें 3 फ्लावर करने को इन दोनों के दरमियान में आप फ्लावर बनाएंगे तो इसे फिल करेंगे। आप चाहें तो इसमें छोटे छोटे सर्कल भी बना सकते हैं, पर सर्कल को फिल नहीं करना, सर्कल के साइडों से फिल करना है। लास्ट में मैं सारे डिज़ाइन इसलिए नहीं दिखाती कि ये ना मेहंदी बहुत जल्दी पेज पे ना वो फैल जाती है, और देख रहे होंगे आप ऊपर पर डिज़ाइन का क्या हाल हो गया है, बहुत जल्दी ये मेहंदी जो है ना पेज पे फैल जाती है। ये जिस तरह मैंने 2 पैटर्न बनाए उसके दरमियान में आपने ये डिज़ाइन शुरू करना है। फीलिंग वाला है ऐसे, और बाद में से सारे को जितनी भी लाइन है ना आप उसे फिल कर लेना। Thank you.
उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आपने जो भी पूछना हो या जो भी सीखना हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही ज़्यादा चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।